किधर रह गए चपाती भाई, कहाँ पर हो? आईफोन तो आप लेकर आ चुके हो, अनबॉक्सिंग कहाँ पे करोगे आप इसकी? आईफोन की अनबॉक्सिंग कहाँ पर करो यार, जगह ही नहीं अपने पास तो यार। अरे नीचे टेबल पड़ा है, वो लेकर आ जाओ। ये देखो ब्रोस अपना टेबल। अबे ये साइड छपा दो भाई, ये अच्छा नहीं लगता टेक चैनल में। ये देखो अपना टेबल, जिसके तो स्नाइपर नहीं है, टेबल है ये। आ रहा हूँ भाई। और ये देखो पैसा तो बहुत ज्यादा है भाई चपाती भाई के पास, जूतों के पास आईफोन पड़ी है। ओके तो ये टेबल यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। थोड़ा स्ट्रेट नहीं है लेकिन अरे भाई लंबा भी होता है, रुक जा इसको पहले ऐसे करके ऐसे इसकी टांगे लंबी करनी है। और मेरे को ये वाला भी जो है यहाँ से नीचे करना है। यहाँ पर भाई आपने सारा पैसा तो ये देखो एप्पल को दे दिया भाई, टेबल की हालत देख रहे हो? ऐसे बोलेंगे टेक चैनल हम लोग क्या? अच्छा सुनो चपाती भाई, मेरे पास मस्त आइडिया आया है। क्या? दूसरे कमरे के अंदर कंबल पड़ा है, इसके ऊपर कवर कर दो। ये लो ये लो ये लो चपाती भाई, पता नहीं अच्छा लग भी रहा है या नहीं। यार टेक चैनल हम खोल रहे हैं क्या, कंबल की शूटिंग हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर आपको जराबे बेचने का काउंटर नहीं खोलना भाई, आपको आईफोन की रिव्यू कर दी है यहाँ पे। अभी मैं ऐसे कैमरा रखूंगा तेरे को वहाँ से स्लाइड करके आईफोन लेके ऐसे मैं पकड़ लूंगा। आज आज ट्राई करते हैं यार। ये वाला बैकग्राउंड कितना मस्त लग रहा है यार, लेकिन ये वाला बैकग्राउंड दिखाया जाएगा यहाँ से। मेरे को यहाँ से रिकॉर्डिंग करनी थी लेकिन बैंक सिस्टम नहीं बन रहा। ये दिवाली के पटाखों वाला काउंटर मैंने यहाँ पर लगा कर रखा हुआ है। अगर अपना फोन यहाँ पर रखूं एंड अपना पीसी में यूज करूं एज अ बैकग्राउंड ब्रो, कितना अपील लग रहा है यार। कम ऑन देन, अभी आता है व्हाट, जब मैं फ्री बोलूंगा तो हमसे नहीं होने वाला टैक टुक यार, हम करेंगे टैक अपने स्टाइल में, देखी जाएगी बाद में। हटा ये कंबल यार, क्या है ये कंबल, कौन डाल टैक के ऊपर? ये जुगाड़ी को हम देख रहे हैं, भैंस की स्टैंड भी नहीं है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे स्टैंड। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रो, जैसे जैसे अपना चैनल आगे बढ़ेगा तो जहाँ से मैं लेके आया था ना वहीं पे टैग। और क्या हो गया, और टैग खत्म हो गया? अभी लगा है सीरियस है, ठीक है। अभी मैंने सोच कर रखा है कि फिलहाल अभी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो जब मेरा चैनल चल पड़ेगा ना तो कुछ दिनों के अंदर हम ये वाला कमरा ये पूरा टैग के लिए कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर होगी बड़ी बड़ी लाइटें, यहाँ पर मस्त वाला टेबल, पीछे लाइट है, यहाँ पर लाइटें एकदम सुपर लगा, कसम से बता रहा हूँ मैं। और खतरनाक वाली लुक देने के लिए मेरे पास खतरनाक वाली चीज भी है। क्या? 1500 की आईफोन खोलने के लिए यूज करेंगे 3000 का लेंस। मैंने देखा कि अक्सर लोग जो है टैक्स चैनल के अंदर ना फ्लेक्सिंग बहुत ज्यादा करते हैं, दो दो आईफोन साथ में लैपटॉप, कुर्सी मत दिखाई देगी। और अपने 3000 का लेंस जाएगा 4000 के कैमरे के ऊपर। तो इसको यहाँ से निकालते हैं, इसको कवर करते हैं, यहाँ पर 2000 का लेंस, इसको यहाँ पर रखते हैं। फ्लेक्स करना होता है भाई, टैग यही होता है। करो करो। और ये जाएगा अपना डेंजर वाला लेंस यहाँ पर, लेट्स गो। भाई क्या साइज है इसका, साइज देखो, इसका साइज देखो भाई। शोरूम भाई, ये वो वाला कैमरा तो नहीं है जो डॉक्यूमेंट्री में यूज होता है, वो जो कबूतर के ऊपर जूम करते हैं। वो तो चाइना में कबूतर बैठा होता है और अमेरिका से जूम करते हैं। लेकिन खतरनाक है इस कैमरे की, देखो एक बात बहुत अच्छी लगती है, तो अगर मैं ऐसे कैमरा ऑन करके देखूं ना, अभी देखना इसका जूम कितना खतरनाक है, ये देखो। तो ये जूम है इसका, ठीक है, ये है इसका। लेकिन इसका अगर मैं जूम आउट करके देखूं ना, ये देखा भाई साहब, अल्ट्रा वाइड एंगल। अभी आ रही है टैक वाली फीलिंग ब्रो। ओके गाइस, सबसे पास आ चुकी है अपनी आईफोन 15। ये है 1 TB वाला मॉडल। तो नॉर्मली गाइस मैं फोन लेता हूँ 1200 की, मेरे को भाई 1500 की नुकसान। तो ये सैटिस्फाइंग होता है, इसको खोलना आराम से। ओके गाइस, अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ अपनी पहली टैक वीडियो की अनबॉक्सिंग के लिए। ऑल राइट लेट्स गो, अब इसको आराम से खोलते हैं। खुलने वाली है, चीखे खत्म हो जाएंगी, खुल जा। हे वे व्हाट, मैंने पिंक कलर लेकर रखा हुआ था, ये तो लिटरली व्हाइट है। रुको इसके अंदर कौन सा कलर है, पिंक बोल कर रखा, एक पिंक बोल कर रखा था तुम लोगों का मैंने। ओके अभी आराम आराम इसको निकालना है। अरे ब्रोस न्यू आईफोन, मेरे को इसकी स्क्रीन वगैरह टच नहीं करनी होती, एकदम से फ्रेश दिख रही है। आहा, अभी पता लग रहा है ना कि हमने फोन यूज किया है। तो गाइस एप्पल को अपने डब्बे के अंदर से चीजें रिमूव करने की बहुत घटी आदत बन चुकी है। तो सबसे पहले आता था एप्पल का मोटा कनेक्टर, उसके बाद एप्पल वाले ने लॉन्च किया ये लाइटनिंग कनेक्टर,
तो लाइटनिंग केबल के साथ साथ उन्होंने निकाल कर रखी थी यूएसबी सी की केबल। अभी इन्होंने पता क्या किया, ये वाला कनेक्टर यहाँ पर भी लगा दिया और बोल दिया कि वेलकम टू न्यू रेवोल्यूशनरी आईफोन 16 नेवर सीन बिफोर। और उसके बाद गाइस उन लोगों ने अपने फोन के डब्बे में से प्लग भी निकाल लिया और ये टूटियां हम लिटरली यूज करते हैं एडिटिंग के लिए। एप्पल से देखा नहीं गया ये चीज, वो भी निकाल दी। बार इस लेटेस्ट फोन का फंडा पता है क्या है, उन्होंने ये भी निकाल दिया। भाई ये मेरा फेवरेट बटन था यार। और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो हमेशा की तरह हमको मिलते हैं थोड़े बहुत स्टिकर्स, साथ में एप्पल लोगो, साथ में कुछ पेपर वर्क, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हमें इस आईफोन के अंदर नहीं मिलने वाली है, जैसे कि उनकी खतरनाक वाली केबल। भाई यार ये देख रहे हो केबल एकदम से ब्रेडेड है, क्या टेक्सचर है इसका यार, एकदम जबरदस्त। ओके अभी आती है गाइस मेन आईफोन की बारी। बहुत ज्यादा हल्की है और ये देख रहे हो भाई, मेरे को लगा था कि ये लोग मेरे को ऐसे ऐसे मैट मैट वाली फीलिंग देंगे, लेकिन ये एकदम से शाइनी और स्मूथ है यार। देख रहे हो क्या चमक रहा है कैमरे के अंदर ब्रो। लेकिन ये वाला थोड़ा बहुत मैंने भी नोटिस किया कि ये वाला थोड़ा बहुत जो है राउंड राउंड है, लेकिन ये थोड़ा बहुत शार्प है। अब मैं ये कैसे समझाऊं आपको। और ये रहा गाइस सब पीछे साइड वाला बटन, तो पहले यहाँ पर दो बटन थे, अभी आ चुके तीन बटन और एक बटन है यहाँ पर जो कि ऑब्वियसली इसको लॉक करता है। और अभी इसको करते हैं और सारा इसके पैसे दिए मैंने एप्पल लोगों के। ओ अभी लिटरली मेरे को फील आ रही है कि कुछ नया लिया मैंने। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ इस फोन का सबसे खतरनाक वाला डिफरेंस, देखो पता लगे क्या। इस फोन के अंदर दो दो यूएसबी सी के केबल यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब कि हम ये फोन यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं एंड इसको निकाल के यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं एक यूएसबी सी कनेक्शन यहाँ पर डालता हूँ एंड दूसरा यूएसबी सी कनेक्शन अपने एंड्रॉइड के अंदर डालता हूँ तो क्या होगा। कुछ भी नहीं अरे चार्ज हो रही है तो यहाँ से जूस निकल के यहाँ पर जा रहा है। ब्रो नो जोक, समहाउ ये वाली फोन चार्ज हो रही है। क्या ये भी चार्ज हो रही है भाई साहब? अनलिमिटेड चार्जिंग ग्लिच ढूंढ के रख लिया दुनिया में, अभी बैटरी डाउन होने का फंडा ही खत्म। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो अपनी आईफोन 15 एकदम बढ़िया है, इसका कैमरा इस वाली फोन से एक्चुअली ज्यादा बेहतर है और बैक वाला है नहीं इवन फ्रंट वाला ही बेहतर है। लेकिन पर्सनली मेरी एक प्रॉब्लम है आईफोन 15 से और वो है ये। भाई ये क्यों रिमूव नहीं हो रहा तुम लोगों से? अभी फोन ऑन करते ही गाइस मेरे पास आ चुके तीन ऑप्शन, तो ये डिफॉल्ट, ये थोड़ा बहुत जूम्ड इन एंड ये है मेगा जूम्ड इन। और भाई साहब यहां पर तीन मोड दिया है, तो ये लाइट मोड, डार्क मोड और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मोड कौन सा है? वेलकम टू द आईफोन और रे। अभी सब गाइस एक और फीचर मेरे को बहुत पसंद आया और वो ये है कि आप ये फोन ऑफ नहीं कर सकते। तो ये रहा मेरा होम बटन, तो अगर मैं इसको दबा के देखूं तो बंद होगा क्या? ये ऑफ नहीं हो रहा, लेट्स गो। मतलब कि और जल्दी बैटरी खत्म होने के चांसेस में भी बढ़ चुके हैं। अभी लोगों ने कहा इसे कोई फीचर को बता के रखा है, तो अगर मैं इसको फोन को चार्ज में डालता हूँ और अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो मेरे लिए एक नया कस्टम मेन्यू खुलेगा, वेलकम टू स्टैंड बाय। अगर मैं क्लिक करके देखूँ तो मेरे पास ओ माय गॉड, अरे लेट्स गो, अभी मेरी अपॉइंटमेंट्स कभी मिस नहीं होंगी, मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं होती यार। और अभी आती है ब्रोस द मेन चीज, और वो है फोन का कैमरा। ओके गाइस, ये अपने आईफोन 15 का कैमरा और ये है अपने आईफोन 12 का कैमरा। भाई बहुत ज्यादा फर्क है यार, ये कितना वाइब्रेंट दिख रहा है ये, और एक्चुअली इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंसेज लगी हुई है। अरे भाई साहब, तो ये है सबसे वाइड एंगल, ये है नॉर्मल एंगल, ये है जूम इन एंगल और ये है पता नहीं कौन सा एंगल, ये ट्रायंगल है। सिनेमैटिक मोड के अंदर वीडियोस कितनी मस्त है यार। अभी गाइस ऑन द सीरियस नोट, तो ये है एप्पल का सबसे मेन जो मेन फंडा है और वो है कस्टमाइजेबल ये एक्शन बटन। इसके ऊपर आप कोई भी एक्शन मार सकते हो, तो इससे आप फोन को साइलेंट मोड पे डाल सकते हो, इससे कैमरा के साथ फोटो भी खींच सकते हो, टॉर्च ऑन कर सकते हो, वॉइस मेमो छोड़ सकते हो वगैरह वगैरह वगैरह। और अब इसके बाद आती है अपनी आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये देखो आगे से और ये है पीछे से, बेसिकली मैंने आपसे झूठ बोला, ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं अपनी आईफोन अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय यूएसबी सी के और ये बटन के। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे को ये स्कैम लगा, ये नई केबल को छोड़कर डब्बे के अंदर कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, इवन डब्बे की पैकेजिंग भी सेम है। ये पता क्या करते हैं, हर बार आपको नया वॉलपेपर दे देते हैं और बोलते हैं नई आईफोन, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। तो ये है आईफोन 15 नए वाले का वॉलपेपर और ये है आईफोन 14 का वॉलपेपर। देखो तो कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी यहाँ पर यूज हुई है। तो चलिए गाइस, छोटी सी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में इतना काफी था, मेरे को तो बहुत 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 मजा आया। और ऑब्वियसली गाइस मेरी पहली वीडियो, तो अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखनी है तो प्लीज मेरे को बताना, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या कर सकते हैं ये कंटेंट बेहतर करने की। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में।